सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए बात करते हैं, क्या हमें अपने से बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नहीं। अरे अब ये कैसा सवाल है, अब तो इसमें आप मुझसे बहस करना शुरू कर देंगे, कमेंट करना, अरे ये गलत गगन पांडे गलत सिखा रहे। ये तो मूल स्वभाव है कि अपने से बड़ों की आदर करें ही करें। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करें, आप भी आदर करिए, अपने से बड़ों का हमेशा आदर होना चाहिए और ऐसा करिए भी। लेकिन अब जैसे आप खबर पढ़ते हैं कि फलाना ने बेटे ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है, बहुत सारे वृद्ध ऐसे हैं जिनको कष्ट सहना पड़ता है, गालियाँ सहनी पड़ रही हैं घरों में, अखबार में तमाम आए दिन आता रहता है, तभी मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बनाऊँ। और इसमें समाज क्या करेगा, आपको ही जिम्मेदार बताएगा, बेटे को ही जिम्मेदार, हमेशा बेटे की गलती बताई जाएगी कि इसने अपने माँ बाप को निकाल दिया, समाज हमारा ऐसा ही है। लेकिन एक बात मैं आपको इसमें ये ज़रूर कहूँगा, आपके एल्डर्स जितने भी हों, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, कज़न ब्रदर सिस्टर हों, कोई भी हो, देखिए रेस्पेक्ट आप हमेशा करिए, ये तो मैं एकदम आपको कोर से बता दे रहा हूँ। चाहे वो कैसे भी हों, उन्होंने आपको कितना भी कष्ट दिया हो, लेकिन उनकी रेस्पेक्ट आप हमेशा करिए। लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर आपको कष्ट दे रहा है, तो अगर आप वहाँ से कहीं चले जाइए या सेपरेट होकर के अलग रहना शुरू कर दीजिए, तो कि ताकि आपको भी मानसिक सुकून मिले। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई कष्ट दे रहा हो, तब थोड़ा बहुत कष्ट तो सभी को सहना ही पड़ता है, घर में जब भी आप रहेंगे थोड़ी चार बर्तन हैं तो दो चार खड़खड़ होगी होगी। लेकिन अगर कोई बहुत कष्ट दे रहा है तो कुछ दिन यहीं जा करके और हो आइए, कहीं घूम आइए, या बहुत ही ज़्यादा हो गया तो आप अपना एक दूसरा घर बना करके वहाँ रहना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी मानसिक शांति भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। रेस्पेक्ट आप हमेशा करिए। अब इसका एक दूसरा पॉइंट पहलू भी आ गया है, वो ये पहलू है कि हम इवेल्युएट करें, बच्चे अपने पेरेंट्स का इवेल्युएशन भी करना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके मम्मी पापा हैं तो आप उनको इवेल्युएट करिए। अब आप कहेंगे पेरेंट्स का इवेल्युएशन कैसे हो सकता है, हो सकता है, आप इस चीज़ को नोटिस करिए कि आपके माता पिता ने क्या किया है जीवन में, आप उनके जीवन की एनालिसिस करिए। और अगर आपको लगता है उन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम किया है और वो आपके लिए गुरु के योग्य हैं, आपके सामने उन्होंने कुछ उदाहरण रखे हैं, उन्होंने कुछ त्याग किया है, तो उनकी मन से रेस्पेक्ट करिए, ठीक है, और नहीं तो खाली ज़बान से रेस्पेक्ट करिए। अगर नहीं किया है तो रेस्पेक्ट भी कई प्रकार से हो सकती है, खाली ज़बान से कहना एक होगा कि मन से। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी या माताजी ने कोई ऐसा त्याग किया है, मान लीजिए आपकी माताजी कहीं बर्तन धोती हैं, कोई गरीब आदमी ने बर्तन धोती हैं, ठीक है, आप बेटे हैं उनके, उन्होंने बर्तन धो करके आपका जीवन आपको पढ़ाया लिखाया और आप एक अच्छे अधिकारी बन गए या कोई अच्छी जगह पहुंच गए, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा बढ़िया उदाहरण है कि इसमें आपको अपने माता जी को ही भगवान के रूप में मान करके, क्योंकि उनमें वो समस्त गुण विद्यमान हैं त्याग का, उन्होंने आपके लिए बहुत बड़ा त्याग किया है, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पिताजी ने कुछ नहीं किया, आप आए आते थे, दारू पीते थे, मुर्गा खाते थे, माता को पीटते थे और उसके बाद हल्ला गुल्ला मचाते थे घर में, जब कुछ नहीं करते थे, तो ऐसे माँ बाप की आपको रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे पिताजी की बाप की रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कह रहा कि उनको गाली दीजिए, नहीं, ठीक है, आप सही है थोड़ा और जहाँ तक हो सके फिर आप चले जाइए, क्योंकि आपको वो कोई उदाहरण आपके सामने नहीं रख पाए, वो तो बस दारू पी के शराब पी के काम ही होकर के उन्होंने अपना अपना ही जीवन बिताया और उसी काम अग्नि में उन्होंने आपको पैदा कर दिया और आप उसी के बाई प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे माता पिता ये आपने देखा, इनकी इज्जत करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उनको आप डिसरिस्पेक्ट करिए, बट जहाँ तक हो सके आप अवॉइड करिए। जितना आपने सहा है, आप बड़े बन गए हैं अगर अधिकारी, तो आप उनको अपने साथ रख सकते हैं, हो सकता है धीरे धीरे समय के साथ उनमें सुधार कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, दिस कैन ऑल्सो बी डन। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि उनमें सुधार होने की गुंजाइश नहीं है, वो अपने स्वभाव को बदलने को तैयार नहीं है, तो आप उनसे अलग रह सकते हैं, लेकिन बेइज्जती ना करिए, ठीक है, क्योंकि जो हो गया जीवन में वो बदला नहीं जा सकता। आपने बचपन से हो सकता है बहुत सारी समस्याएं देखी हो, शराब पीना ये करते हो, गलत काम करते हो, वो तो हो सकता है आपके मन में उनके प्रति इज्जत का भाव खत्म हो गया हो, जब बड़े होते होते आपकी सोच की ग्रोथ हुई हो। लेकिन फिर भी यही मैं यहाँ पर कहूँगा कि चलिए जो हो गया वो उस बचपन के 15-20 साल आप लौट वापस तो ला नहीं सकते हैं, तो उसमें दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो हो सकता है उसका बेस्ट अल्टरनेटिव वो निकाल लिए, वहाँ पर अलग रहना है या फिर रहना ही है साथ में, तो फिर जैसे जैसे सही है, या फिर उनको थोड़ा बहुत जहाँ तक हो सके बदलने का प्रयास करिए कि वो ठीक हो जाए। तो इस किस्म से अब अगर आपके पापा ने आपके सामने ऐसा उदाहरण ही रख दिया है कि जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, वो मान लीजिए वो सेना में थे, वो उन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, गौरवान्वित किया, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है, तो आपके लिए भगवान स्वरूप है, उनका पूजा भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने माता पिता का भी इवैल्यूएशन करिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है, कि आखिर इन्होंने जीवन में किया क्या। मान लीजिए आपकी माता है, ठीक है, माता सभी की होती है, तो माता जी हैं, आपने माता का देखिए कि माता जी ने किया क्या, क्या वो माता जी किस टाइप की थी, क्या वो ऐसी थी कि पड़ोसी आपके पापा से क्या कहती थी कि तुमने अपनी बहन को ये दे दिया, अपनी बहन को वो सुख दे दिया, इसको ये बांट दिया। वो हमेशा लड़ती रहती थी घर में कि तुमने मुझसे शादी क्योंकि मेरे तो जीवन ही बर्बाद कर दिया, इस टाइप के डायलॉग भी हो सकते हैं, ठीक है, मैं तो तुम्हारे साथ रह के जीवन ही मेरा ख़राब हो गया। इस टाइप की माता अगर मिल गई है तो फिर जैसे तैसे उनको आप झेलिए, क्योंकि आप उन्हें भगा नहीं सकते हैं, उनको आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो ज़रूरी हो गया है कि उनकी आप सेवा करिए, जैसा भी मिला है, फिर आप उसको उसको आराम से भुगतिए, भले मन से आप नहीं, अगर उनकी वो कर पा रहे हैं तो तम से तन से थोड़ा बहुत वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड एज में उनको ज़रूरत आपकी पड़ेगी। तो अपनी मम्मी का भी वैल्यूएशन करी थे, कोई वो सास बहू ननद और इसी में रह गई, या शादीशुदा करी, शादी कर, आज इसकी शादी है उसकी शादी है, या उन्होंने कुछ करा समाज के लिए। क्या आपकी माता या पिताजी ने कोई समाज के लिए कोई कार्य किया था, क्या उन्होंने छोटा सा काम भी किया था, क्या घर के बाहर, अगर घर के अंदर के अलावा घर के बाहर भी कभी झाड़ू लगाया था उन्होंने, जरा इसको इवेल्युएट करिएगा कि घर के बाहर कोई काम अपने अपने चार लोगों के दायरे से फैमिली के बाहर कुछ करके पाए आपके पेरेंट्स की नहीं, ये भी जरा इस बारे में भी आप इवेल्युएशन करिए व्हाट दे हैव डन फॉर दिस सोसाइटी, ठीक है। तो अपने दिमाग का एक्सपेंशन इस तरीके से अपने माँ बाप को भी आप इवेल्युएट कर सकते हैं कि क्या ऐसा था, क्या वो कि वो थोड़ा सा कहती थी अरे इधर भी करा दो, इधर भी कुछ, बाहर भी, घर के बाहर भी कुछ था उनका जीवन, या बस वो घर में और सास बहू ननद और इसी में ख़त्म हो गए। तो इस प्रकार से बस आप इवेल्युएट ज़रूर कर लीजिए दिमाग की, एल्डर्स के लिए क्या हमने किया है, कि क्या उन्होंने हमारे लिए किया, क्या क्या ऐसा है, और बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, चाहे किया है चाहे नहीं किया है। आपको क्या करना है, आपको जो उन्होंने नहीं किया, जो वो आपको नहीं दे पाए, वो अपने बच्चों को आप दीजिए, ताकि अगली जनरेशन में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ माई पॉइंट इज, क्योंकि जो बीत गया वो तो बीत ही गया, अब आप उन्हें हटा नहीं सकते या कुछ कर नहीं सकते, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी पड़ेगी ओल्ड एज में, ठीक है। सो द पॉइंट इज़ दैट नेक्स्ट जनरेशन में जो गलतियाँ आपने देखी, वो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में, कहीं आप भी तो वही गलतियाँ नहीं कर रहे हैं जो आपके पेरेंट्स कर रहे थे। सो आप उस अगली जनरेशन को कुछ अच्छा ट्रांसफ़र करिए, मैं ये कहूँगा, ठीक है। तो इस किस्म से आप एक इवेल्यूएशन कर सकते हैं चीज़ों का, उससे बेहतर जनरेशन को कुछ, अगली जनरेशन को कुछ बेहतर दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू।